नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से स्वागत है आपका मचर ट्राइट में। और अपने अपनी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे गूगल साइन इन इनटू योर एंड्रॉइड ऐप के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसके बाद जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तो हम उससे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम इस मेथड पर बात कर रहे थे जो कि था स्टार्ट ओन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड। बेसिकली ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा बटन जो हमारा यूजर है बेसिकली वो किसी अकाउंट से साइन इन करेगा, गूगल अकाउंट से साइन इन करेगा। तो इसमें हमने ये कोड लिख लिया था, अब आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक चेंज करना है, वो क्या कि हमें एक इफ कंडीशन सेटअप करनी है इसमें, इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स इक्वल्स टू। तो अभी क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं। तो इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स इक्वल्स टू, तो रिक्वेस्ट कोड तो ये रिक्वेस्ट कोड है जो इसने हमें पैरामीटर रिटर्न किया है। और मैं इसको टू क्यों किया, टू मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हमने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड कॉल किया था तो हमने उसमें रिक्वेस्ट कोड टू पास किया था। तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट ढंग से एग्जीक्यूट हुए नहीं हुई है। तो इसलिए इफ रिक्वेस्ट कोड अगर टू है तो हमारे ये वाला जो काम है ये एग्जीक्यूट होगा, जो हमने टास्क वाला हमने लिखा है ये फिर हमारा काम करेगा। तो अब हमें क्या करना है, गूगल साइन इन अकाउंट माई अकाउंट इक्वल टू टास्क डॉट गेट रिजल्ट हमने लिख दिया था। इसके अंदर हमें एक चीज पास करनी है, वो है एपीआई एक्सेप्शन डॉट क्लास। अब ये मैंने पास क्यों किया, ये बेसिकली मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आपका कई बार क्या होता है कि यूजर आपका साइन इन नहीं करता या फिर कोई और एरर आता है या फिर आपका जो टास्क है वो मतलब अकाउंट नहीं ले पाता उस साइन इन वाला कि किस अकाउंट साइन इन हुआ है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और वो एक्सेप्शन जो होगी ना वो एपीआई एक्सेप्शन क्लास से बिलोंग करती होगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको पास किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप इस पर होल्ड करेंगे तो आपको दिखाएगा सराउंड विद ट्राई कैच, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आ चुकी है हमारी स्टेटमेंट ये। अब हमें क्या करना है कि हम इसके बाद तो यूजर लॉग इन तो हो जाएगा, अब हम चाहते हैं कि जैसे यूजर हमारा लॉग इन हो, जैसे वो साइन इन हो, वो एक डिफरेंट एक्टिविटी में स्विच कर जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले डिफरेंट एक्टिविटी बनाते हैं। तो रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसको कुछ नाम देंगे इस एक्टिविटी को। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ लॉग इन आफ्टर, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर लॉग इन, मतलब लॉग इन के बाद ये वाली खुलने वाली हमारी ये वाली जो एक्टिविटी है। फिनिश पे क्लिक करेंगे, बाहर चलते हैं अपनी एक्टिविटी फाइल में और यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें पास करेंगे न्यू इंटेंट। पहला पैरामीटर होगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा पैरामीटर होगा लॉगिन आफ्टर डॉट क्लास, ताकि हमारा जो यूजर है वो दूसरी एक्टिविटी पर स्विच कर जाए जैसे ही वो लॉगिन हो। तो ये काम तो हमारा हो गया, अब हमें क्या चेक करना है कि जैसे एक बार हमारे यूजर ने लॉगिन कर दिया तो हम चाहते हैं कि अगली बार जब वो हमारी ऐप दोबारा से खोल ले तो उसको बार बार लॉगिन ना करना पड़े, वो पहले से ही लॉगिन रहे जिस अकाउंट से उसने लास्ट टाइम लॉगिन किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे अपने ओन क्रिएट मेथड में, इफ या फिर इफ हटाते हैं, पहले एक काम करते हैं गूगल साइन इन अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो गूगल साइन इन अकाउंट इसको नाम देते हैं लेटेस्ट अकाउंट इक्वल टू क्या करेंगे, गूगल साइन इन डॉट गेट लास्ट साइन इन अकाउंट। तो बेसिकली ये मेथड हमें लास्ट अकाउंट जिससे साइन इन हो रखा है वो रिटर्न करता है, और कंटेक्स्ट में पास कर देंगे दिस और सेमी कोलन लगा क्लोज कर देंगे इसको। और अब चेक करेंगे कि इफ लेटेस्ट अकाउंट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब हमारा जो लेटेस्ट अकाउंट है वो नल नहीं है, मतलब यूजर लॉग इन था किसी अकाउंट से। तो हमें क्या करना है, वही हमें दूसरी में एक्टिविटी पे स्विच करना है। तो स्टार्ट एक्टिविटी और पास करेंगे न्यू इंटेंट, पहला पैरामीटर होगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा पैरामीटर होगा लॉग इन आफ्टर डॉट क्लास। तो इससे हमारा जो यूजर है वो दूसरी एक्टिविटी पे स्विच कर जाएगा। तो फिलहाल तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, अभी हमने इसको फायरबेस से लिंक नहीं किया, मतलब अभी हमारा यूजर लॉगिन कर पाएगा लेकिन वो अकाउंट जो है फायरबेस में रजिस्टर नहीं होगा, वो हम बाद में करेंगे। एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ तक रन हो रही है या नहीं हो रही। हमारा एमुलेटर रन हो रहा है, वेट करते हैं, कुछ थोड़ा टाइम ले गए। तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, बैक करते हैं इसको, दोबारा से खोलते हैं अपने एप्लीकेशन को एक बार। हमारी एप्लीकेशन का नाम है प्रोजेक्ट जी, वो यहाँ पे है। तो हमारी एप्लीकेशन खुल चुकी है और ये हमारा साइन इन का बटन है, साइन इन विद गूगल वाला बटन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंटेंट अपीयर हुआ चूज एन अकाउंट के लिए। अब आपका कोई अकाउंट जो है वो रजिस्टर नहीं था गूगल पे पहले से, तो इसलिए इसने सीधा ये वाला ऑप्शन खोल दिया ताकि आप एक नई गूगल अकाउंट से लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जीमेल आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं।
जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। लाइक मैं कुछ डाल रहा हूँ जस्ट, तो मैं अपनी जीमेल आईडी डाल दी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालना होगा मुझे यहाँ पे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो जाएगा हमारे गूगल अकाउंट से। मतलब मैं लॉगिन हो जाऊंगा बेसिकली इस ऐप में यूजिंग माय गूगल अकाउंट। तो पहले चेक करेगा कि सब कुछ, ईमेल पासवर्ड वगैरह सब कुछ सही है नहीं है, और उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो चुका है, इसको होने देते लॉगिन। इसमें मेन चीज़ जो हमारी थी कि लॉगिन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो हम कर पा रहे हैं, और हमारा बटन भी बिल्कुल ढंग से अपीयर हो रहा था उसके अंदर, वो हमारा मेन मोटिव था समझना। अब आगे काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस बनाएंगे। तो फायरबेस ओथ, इसको नाम देते हैं ओथ, इनिशियलाइज करते हैं इसको। तो यहाँ पे जाएंगे, हमारा ये तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला मेथड है, ऑन क्रिएट मेथड में जाना है इसके लिए हमें। यहाँ हम एक काम करते हैं, ओथ इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिक ओथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो इससे हमें उसका इंस्टेंस मिल जाएगा बेसिकली। अब हमें क्या करना है, हमारे इस फायरबेस ऑथेंटिकेशन को हमारे इस गूगल से लिंक करना है। तो उसके लिए हमें एक काम करना होता है, हमें जैसे यहाँ पे हमने ईमेल रिक्वेस्ट की थी, फिर फाइल रिक्वेस्ट कर दी, हमें एक चीज़ और रिक्वेस्ट करनी होगी, तो डॉट रिक्वेस्ट आईडी टोकन। तो हमें आईडी टोकन रिक्वेस्ट करना होगा, और इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना फायरबेस का कंसोल खोलेंगे बेसिकली। तो हमारा फायरबेस कंसोल है, इसको हटाते हैं यहाँ से। फायर मेन विंडो हमारी ऐसे खुलेगी, अपना फायरबेस प्रोजेक्ट खोलेंगे। तो फायरबेस ऑथेंटिकेट के नाम से मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं, ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। फिर आपको क्या करना है बेसिकली, आपको जाना है साइन इन मेथड में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल के नाम से, तो इस पर क्लिक करना आपको, और इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा यूजर जो गूगल से ढंग से साइन इन कर पाएगा। और यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा वेब एसडीके कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको एक ये वेब क्लाइंट आईडी दे रहा है, तो इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ सेव कर देते हैं इसको फिलहाल। तो वो हमारा सेव हो चुका है, इनेबल हो चुका हमारा गूगल से लॉगिन। और चलते हैं वापस यहाँ पे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में, और इस जो आईडी को आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। स्ट्रिंग में रखना बेसिकली इसको, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं इसके आसपास, इसके मतलब एंड पे। तो हमारा स्ट्रिंग हो चुका है, तो एक हमारा हो चुका, हमने रिक्वेस्ट आईडी टोकन इस पे डाल दिया। अब दोबारा से हमें क्या करना है, हमें जाना अपने ओन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड में, उस ट्राई ब्लॉक में चलेंगे। यहाँ आपको क्या करना है बेसिकली, हम यहाँ पे उसकी आईडी लेंगे बेसिकली, जो टोकन आईडी हमने उसको पास करी है। हम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की उससे आईडी टोकन, तो मैंने आपको बताया था कि ये वो डाटा होता है जो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने उस गूगल से। तो अब यहाँ पे उसको हम रिट्रीव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, माई अकाउंट जो हमारा साइन इन अकाउंट है डॉट गेट गेट आईडी टोकन, तो हमें मिल चुका है। और एक काम करते हैं, इसको एक नया मेथड बनाते हैं, उसमें पास करेंगे इसको। तो मेथड का नाम दे रहा हूँ मैं फायरबेस Oath with Google। तो ये मेथड का नाम है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मैं ये नाम दे रहा हूँ, और इसके अंदर इसको पास कर देंगे इस टोकन को बेसिकली। और यहाँ नीचे चलते हैं बॉटम में, और इस मेथड डिफाइन करेंगे, तो पब्लिक void Firebase Oath with Google, पैरामीटर जो होगा इसका वो होगा एक स्ट्रिंग आईडी टोकन। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कोड लिखना आपको। तो एक ओथ क्रेडेंशियल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, बेसिकली क्रेडेंशियल्स होते हैं, इसका नाम देते हैं क्रेडेंशियल, और इक्वल टू में लिखेंगे हम गूगल ओथ प्रोवाइडर या फिर गूगल ओथ प्रोवाइडर डॉट गेट क्रेडेंशियल्स। और इसमें अपना यह आईडी टोकन पास करेंगे जो हमें लिए हमने इससे, और दूसरा पैरामीटर जो हमें पास करना है वो है नल, तो नल हमने पास कर दिया। तो बेसिकली हमें इससे क्रेडेंशियल्स मिल गए अपने गूगल अकाउंट के। और अब आपको क्या करना है, जो आपका फायरबेस का इंस्टेंस था ओथ के नाम से, ओथ डॉट मेथड कॉल करेंगे साइन इन विद क्रेडेंशियल्स।
बेसिकली फायरबेस ऑथेंटिकेशन आप कई तरीकों से साइन इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं ईमेल पासवर्ड से, साइन कर सकते हैं क्रेडेंशियल से, और ऐसे और मेथड्स हैं तो हम पिछली वीडियो में हमने मतलब काफ़ी पहले हमने बात की थी साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और आज हम करेंगे साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, और इसके अंदर पास करते हैं हमने क्रेडेंशियल जो हमने अभी लिए हैं अपने गूगल अकाउंट से और क्लोज कर देंगे इसको। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फायरबेस में भी इसी सेम अकाउंट से हमारा यूज़र जो है वो साइन इन हो जाएगा। तो अभी हमारा अपना कंसोल खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अकाउंट नहीं है जिससे हमने अभी लॉगिन किया था अपने इस गूगल अकाउंट से, अभी आप हमने यहाँ पे लॉगिन किया था तो वो अकाउंट नहीं है हमारे इसमें। अब एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे दोबारा से और दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को एक बार। तो हमारा ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। बैक करते हैं एक बार से दोबारा, ये हमारी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जी के नाम से। तो हमारा यूजर जो है इसमें साइन इन हो चुका है, या फिर दोबारा कर क्लिक करके देखते हैं साइन इन पे, अगर वो साइन इन होगा। नहीं, अभी हमारा यूजर साइन इन नहीं हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम हमने वो गूगल को इनेबल नहीं किया था, गूगल साइन इन अकाउंट को अपने कंसोल में, उसको हमने अभी इनेबल किया तो अब वो लॉगिन होगा। तो यहाँ हमें दोबारा से अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड पास करना होगा, तो मैं जल्दी से पास कर देता हूँ। तो ये मैंने पास कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। इस बार ये लॉगिन होगा क्योंकि इस बार हमने इसको इनेबल किया है। मोर पे क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट क्लिक करते हैं। वेट करेंगे थोड़ा सा। तो अब हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है हमारा यूजर। और अभी आप अपना फायरबेस कंसोल खोलेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। टू दिस लेटर पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि एक नया अकाउंट यहाँ पे अभी अभी जस्ट आया है, जो कि jatinjainvasu@gmail.com है, जिस अकाउंट से मैंने अभी लॉगिन किया। और आप प्रोवाइडर में देखेंगे तो आपको प्रोवाइडर में गूगल दिखा रहा है क्योंकि हमें गूगल अकाउंट है, गूगल से हमें मिला अपना अकाउंट ही, और बाकी इसके आगे यूजर UID है। तो इस तरह हम अपने अकाउंट गूगल अकाउंट से लॉगिन कर पाए अपनी एप्लीकेशन में। पहले हमने ईमेल पासवर्ड बात कर रखी है, तो ये जो ऊपर वाला अकाउंट है ईमेल पासवर्ड वाला अकाउंट है, और जो दूसरा अकाउंट है गूगल वाला अकाउंट है जिसे हमने अभी जस्ट अभी लॉगिन किया है। तो दोबारा चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो आज की वीडियो को तो यहीं खत्म करेंगे, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने डाटा को रिट्रीव करेंगे, जो कि हमारे हम मैक्सिमम जो डाटा रिट्रीव कर सकते हैं अपने इस गूगल अकाउंट से। लेकिन आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।